फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं अपने खेत पे, तो आज हम आप सबको अपने खेत दिखाएंगे। अपने खेत पे हमने कुछ प्लांट लगाए थे, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने प्लांट। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो हमारी पूरी वॉच करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे प्लांट कितने बड़े बड़े से हो गए हैं, क्या पोजीशन है हमारे प्लांट की। तो आज हम वही देखने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन कल से थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है, थोड़ा सा बारिश होने शुरू हो गई है। तो हमें लगा कि आज संडे है, तो हम संडे के दिन अपना खेत घूम के आए, तो इसलिए हम आज अपने खेत जा रहे हैं। हमारे खेत में इस समय क्या हो रहा है, तो हम आपको पूरा दिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि हमारे खेत में इस समय क्या लगा हुआ है, और हमने अपने खेत में इस समय क्या लगाया है। तो आप सभी लोग देखिए कि ये हमने प्लांट लगाए हैं अपने पूरे खेत में। आप देख रहे होंगे, ये हमारा खेत है, तो हम आपको अपना खेत दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, बहुत बड़ा हमारा खेत है। वो जो आपको वाइट कलर की दीवार दिख रही है, वहाँ तक ये हमारा खेत है, और हमने अपने खेतों में लगाया है। ये देखिए, सागवान का प्लांट हमने लगाया हुआ है, और देखिए हम आपको दिखाएंगे, बहुत बहुत ढेर सारे हमने सागवान के प्लांट लगाए हैं। तो ये देखिए, ये सागवान के प्लांट हैं, और ये जो भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब सागवान है। थोड़ा सा यहाँ पर घास है, बारिश का सीज़न है, तो ये खेत हमारा हमारे घर से काफ़ी दूरी पर है, तो हमारा रोज़ आना नहीं हो पाता है। तो आज संडे था, तो हमने सोचा कि चलो आज खेतों की सैर करते हैं, तो इसलिए हम खेत पर आए हुए हैं, और हम खेत पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं। और ये देखिए, हमारे बगल में एक खेत है, तो उसमें खूब सारा टमाटर लगा हुआ है, टमाटर के फूल लगे हुए हैं, अभी टमाटर नहीं आए हुए हैं। और ये देखिए, हमारे खेतों के अगल बगल पूरी कॉलोनी बनी हुई है, यहाँ पर लोग रहते हैं, तो ये सारी नई कॉलोनी है। और हमारा अभी सिर्फ खेत है हमारे यहाँ, तो अभी थोड़ा हम सागवान के प्लांट लगाए हैं, तो हमारे प्लांट बड़े होंगे। थोड़ा प्लांट हमारे, कोई प्लांट ऐसा है जो कि बड़ा हो चुका है, कोई प्लांट ऐसा है जो कि छोटा है, तो हम अपने प्लांट आज देखने आए हैं। बहुत दिनों के बाद हमारा आना हुआ है, तो हमने यहाँ आके देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं हमारे जो कि सूख गए हैं हमारे नहीं आने पर यहाँ, तो बहुत ज़्यादा घास की वजह से भी कुछ प्लांट सूख गए हैं। तो अभी सारे प्लांट तो नहीं चल रहे हैं हमारे, कुछ प्लांट सूख चुके हैं। आप देख रहे होंगे, ये गीला है खेत, पूरा गीला हुआ गीला है, क्योंकि कल से बारिश हो रही थी, तो इसलिए ये पूरा खेत हमारा गीला है। और ये देखिए, पाइप इसमें पड़ा हुआ है, अभी दो दिन से ही बारिश हो रही थी, उससे पहले यहाँ कोई बारिश नहीं हो रही थी, तो हमने ये पाइप लगा रखा था यहाँ पर। तो ये देखिए पाइप लगा हुआ है, इसी से पानी यहाँ आता था। ये हमारे खेत में पाइप पड़ा रहता है, और जब बारिश नहीं होती है, तो ये ट्यूबवेल से पानी आता रहता है, और हमारे खेत में पानी भरता रहता है। तो पानी की वजह से भी हमारे बहुत सारे प्लांट सूख गए हैं, और बहुत सारे प्लांट हमारे बहुत ज़्यादा घास होने की वजह से सूख गए हैं। तो आज हम पूरा टहल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला है, तो हमारे पैर भी मिट्टी में धंस रहे हैं, तो हम बहुत संभाल के चल रहे हैं। ये देखिए, कोई कोई प्लांट बहुत छोटा है, आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा हमारा ऊँचे पर पड़ता है। और देखिए, हम आपको क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए फल मिल गया हमको, ये देखो छोटे छोटे से इसमें फल लगे हैं, खट्टे मीठे फल हैं ये, इसको हम लोग पेहटुआ कहते हैं, पेहटुआ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, और ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खट्टा मीठा होता है। तो हमें दो पेहटुए मिले हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं अभी, और देखते हैं कि क्या क्या है खेत में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम आए हुए हैं, और यहाँ पर बाहरी लोग रहते हैं, तो सभी लोग ढूंढना करते हैं, तो कुछ भी ऐसा मिल नहीं पाता है यहाँ पर। यहाँ पे ककड़ी के भी
पेड़ थे, लेकिन कोई ककड़ी वकड़ी खाने को नहीं मिली है। और देखिए तरोई का, तरोई के पेड़ भी लगे हैं पीछे। ये बेर है, ये देखिए ये बेरी का पेड़ है जो हमारे पीछे है। तो ये बेरी का पेड़ है, पीछे वाला भी बेरी का ही पेड़ है, और ये तरोई है। ये देखिए तरोई का पेड़ है, तो इसमें तरोई लगी हुई है, ये बॉडी पूरी चढ़ी हुई है तरोई की। काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा गर्मी भी है, धूप हो रही है, बदली भी हो रही है, हवा का झोंका आता है तो ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन जब हवा नहीं चलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है फ्रेंड। तो ये हम अपने खेत का पूरा मुआयना कर रहे हैं। अभी थोड़ा गीला ज़्यादा है, तो अभी हम पूरे खेत में तो नहीं घूम पाएंगे। देखिए वो जो दीवार हमारी दिखाई दे रही है सीमेंट वाली, वहाँ तक है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है, गीला है, पैर भी धंस रहे हैं, तो इसलिए हम पूरा नहीं जाएंगे। यहीं से हम आपको पूरा दिखा देंगे। तो आपने हमारे सागवान के प्लांट देख लिए, कितने प्यारे प्यारे हमारे सागवान के प्लांट हैं। क्योंकि अब बारिश शुरू हो चुकी है, तो अब पेड़ों में ग्रोथ होगी, अब हमारे पेड़ अच्छे से चलेंगे। तो अब फिर हमारा 10-15 दिनों के बाद यहाँ आना होगा। तो हम 10-15 दिनों के बाद आपको फिर दिखाएंगे कि हमारे प्लांट कितने बड़े हुए। तो अभी तो हमें अपने खेत की साफ़ सफाई करवानी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घास उगी हुई है, और ये घास अगर ऐसे ही उगी रहेगी तो हमारे प्लांट कमज़ोर हो जाएंगे। तो अपने प्लांट की सुरक्षा के लिए, प्लांट हमारे ग्रोथ करें, जल्दी से बड़े हो जाएं, तो इसके लिए हमें यहाँ की साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी, और इसको हम बहुत ही जल्दी करवाएंगे। तो ये देखिए हम सही से चल नहीं पा रहे हैं, हमारे पैर मिट्टी में धंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला है। तो अभी हम खेत से बाहर निकल रहे हैं, आपने हमारा खेत देखा। ये देखो हमको और मिल गए हैं येलो येलो से, और तोड़ लेंगे। ये देखो ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं फ्रेंड। ये देखो इनको ढेर सारे पेट में मिले हैं। हमारा खेत आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा फ्रेंड। तो ये हम खेत से बाहर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा गीला है। ये देखिए आगे से हमने अपने खेत को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर रखा है, और हमने गेट भी लगा के रखा है। हम आपको अपना गेट भी दिखाएंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा ऐसे ही। तो ये देखिए हमारा गेट लगा हुआ है, और इसी गेट से हम बाहर जाएंगे। 15 दिनों के बाद हम आपको फिर से दिखाएंगे। तो ये हम आ गए हैं, तो आप यहाँ से देखिए हमारा खेत, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा गेट है, और हम अपने गेट को लॉक कर दे रहे हैं, तो हम रस्सी से बांध देंगे ताकि यहाँ जानवर ना आने पाए। अगर जानवर आएंगे तो हमारे पेड़ खराब हो जाएंगे, हमारे सारे पेड़ टूट जाएंगे, तो इसलिए हम इसको अच्छे से बंद कर दे रहे हैं। तो ये हमारा गेट अच्छे से बंद हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी सेफ्टी रहेगी कि कोई भी जानवर अंदर नहीं जा पाएगा, और हमारा पाइप भी अंदर पड़ा हुआ है, तो हमारा पाइप भी कोई नहीं ले जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं घर, फिर हम आएंगे, तो हम फिर आपको दिखाएंगे कि हमारे प्लांट कितने बड़े हुए हैं। तो ये हम अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि हम आए थे सुबह 11 बजे के करीब, हम खेत पे आए थे, और अब बज रहे हैं 4।
तो अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि घर पे सभी बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं, हमें ज़्यादा लेट ना होने पाए, तो इसलिए हम घर जा रहे हैं फ्रेंड। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और हम अब अपनी गाड़ी से घर जा रहे हैं।